द बार्बी टास्क में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग सो रहे हैं। सुबह हो गई, चलो उठती हूँ। हाँ, काफी देर हो गई। मालती खाट से उठकर रसोई की ओर जाती है और वहाँ से जूठे बर्तन लेकर कुएं के पास आकर धोने लगती है। जूठे बर्तन रात में ही धो लेने चाहिए। मैंने रूपा को कितनी बार कहा है, सारे बर्तन रात में ही धोकर सोया करो। कल लाइट भी चली गई थी, इसलिए रूपा नहीं धो पाई। मालती ने सारे बर्तन धो लिए हैं और ले जाकर रसोई में रख देती है। अब जाकर झाड़ू लगा दूं, पूरा आंगन गंदा हो रखा है। मालती कमरे में जाती है और झाड़ू लेकर आ जाती है और सीढ़ियों के पास झाड़ू मारने लगती है। तभी छत पर से सोना उठकर आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी। सोना, आज तुम्हें क्या हुआ? आज बड़ा गुड मॉर्निंग मम्मी बोल रही हो। कुछ नहीं मम्मी, मेरी मैडम कहती हैं सुबह उठकर सबको गुड मॉर्निंग बोला करो। गुड मॉर्निंग, ये आजकल स्कूल में बच्चों को सब फालतू की बातें सिखा रहे हैं। एक हमारे समय में स्कूल में सिखाया जाता था कि सुबह उठकर पहले भगवान को प्रणाम करो, फिर घर में अपने से बड़े सभी लोगों के पैर छुओ। आजकल स्कूल में गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मम्मी सिखा रहे हैं। मम्मी, आपके टाइम में कितना मज़ा आता होगा स्कूल में? बहुत मज़ा आता था, हम लोग खूब पढ़ते थे। रामायण तो हमारे समय में छोटे छोटे बच्चों को याद रहती थी। आजकल के बच्चों से पूछ लो तो सीता कौन थी कोई बता ही नहीं पाता। मम्मी, कल से मैं भी आपके पैर छुआ करूँगी। इतना बोल सोना बाथरूम की ओर चल देती है। अजी सुनते हो, आज सोते ही रहोगे या उठोगे भी? आज पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है। इतना बोल रमेश के पापा उठकर बैठ जाते हैं। मालती, आज खेत में बहुत काम है, मैं हाथ मुंह धोकर खेत जा रहा हूँ। आज तुम खाना वहीं भेज देना। रमेश को बाजार रस्सी लेने भेज देना और उसे बोल देना रस्सी लेकर खेत में आ जाए। ठीक है, मैं भेज दूंगी। रमेश के पापा उठकर खेत की तरफ चल देते हैं। तभी सोना बाथरूम की तरफ से आती है और कमरे में चली जाती है। कमरे में से स्कूल के लिए तैयार होकर निकलती है। मम्मी, मुझे जल्दी से चाय दे दो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। बेटी, थोड़ी देर रुक जाओ, चाय बनाकर ले आती हूँ। मालती किचन में जाती है और जल्दी से चाय बनाकर ले आती है। सोना चाय पीने लगती है। सोना चाय पी लेती है और स्कूल के लिए चल देती है। सोना अपनी क्लासरूम में पहुंच जाती है। अरे, आज तो अभी तक कोई स्कूल में आया ही नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, क्लास में बैग रखकर बाहर चीज़ लेने चलती हूँ। सोना क्लास में बैग रखकर बाहर चीज़ लेने चली जाती है। सोना चीज़ वाली दुकान पर पहुंच जाती है। आंटी, मुझे ये वाली टॉफ़ी दे दो। ठीक है बेटी, ये टॉफ़ी 5 रुपए की है, आप 5 रुपए दे दो। सोना 5 रुपए देकर टॉफ़ी ले लेती है। सोना चीज़ लेकर क्लास की ओर चली जाती है और क्लास में जाकर बैठ जाती है और फिर चीज़ खाने लगती है। टॉफ़ी खाकर मज़ा आ गया। तभी क्लास में चांदनी और मोनिका आती है और उनके तुरंत बाद ही सोनी भी आ जाती है। हेलो सोना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ चांदनी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आज और बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं क्यों नहीं आए। तभी क्लास में मैडम आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरे, आज बस 4 बच्चे आए हुए हैं, बाकी लोग कहाँ रह गए? मैडम, पता नहीं आज क्या हुआ कि कोई बच्चा आया ही नहीं। कोई नहीं, आप लोग इंग्लिश की बुक निकालो। मैडम, आज आप हम लोगों को ग्राउंड में ले जाने वाली थी। हाँ, ग्राउंड में तो ले जाने वाली थी, लेकिन आज बच्चे ही नहीं आए तो अब तुम चारों को क्या ही ले जाऊं? मैडम प्लीज ले चलो ना। हाँ मैडम, प्लीज ले चलो। अच्छा ठीक है, आप लोग जिद कर रहे हो तो चलो। फिर मैडम सबको ग्राउंड में लेकर चली जाती है।
मैडम के पीछे पीछे सभी लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। बच्चों, मैं ग्राउंड में लाकर आपको ये बताना चाहती हूँ कि पुलिस और आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले दौड़ना आना चाहिए। तो आज आप लोग मुझे दौड़ कर दिखाओगे। सबसे पहले चांदनी दौड़ेगी। चांदनी, तुम सामने वाले पेड़ को छू कर आओ। ठीक है मैडम। चांदनी दौड़ने के लिए तैयार है। मैडम अपने हाथ में घड़ी लेकर खड़ी हो जाती है और गिनती गिनती है। 1, 2, 3। तीन गिनते ही चांदनी दौड़ने लगती है। चांदनी दौड़ रही है और सामने वाले पेड़ को छूकर वापस आ जाती है। बहुत अच्छे चांदनी, तुम सामने वाली दीवार को 45 सेकंड में छूकर वापस आ गई। अब मोनिका आप दौड़ो। मोनिका दौड़ने के लिए तैयार है। 1, 2, 3। मोनिका दौड़ने लगती है और सामने वाले पेड़ को छूकर जल्दी से वापस आ जाती है। बहुत अच्छे मोनिका, तुमने सामने वाले पेड़ को 52 सेकंड में छूकर आई हो। अब सोनी तुम दौड़ो। 1, 2, 3। सोनी भी दौड़कर पेड़ को छूकर वापस आ जाती है। बहुत अच्छे सोनी, तुम 50 सेकंड में दौड़कर वापस आ गई। सोना अब तुम दौड़ो। सोना दौड़ने के लिए तैयार है। 1, 2, 3। सोना जल्दी जल्दी दौड़ने लगती है और सामने वाले पेड़ को छूकर वापस आ जाती है। सोना, तुम सामने वाली दीवार को 42 सेकंड में छूकर वापस आ गई। तुम चारों दौड़ में अच्छी हो। तुम चारों 1 मिनट से पहले सामने वाले पेड़ को छूकर वापस आ गई हो। तुम चारों आर्मी के लिए फिट हो। अब तुम चारों जल्दी से 12वीं की परीक्षा पास करो और आर्मी में जाने की तैयारी शुरू कर दो। मैडम की ये बात सुन सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। हुरे, हुरे, हुरे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।